साडा जी एक पंजाब का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खडूर साहब तो जिन्हों लोगों ने जताता तुम तो उन्होंने भी शब्द लैन नहीं दे रहे तो सिखा दे धक्का नहीं है तो क्या है। मैं बेनती करती हाँ लोगों के मैंडेट को सत्कारना हर सरकार का फर्ज होंगे है। साढ़े हरियाणा कमेटी ने तोड़ के कब्जा कर लिया, दिल्ली कमेटी के उत्ते कब्जा कर लिया, नंदेड़ साहब के उत्ते बोर्ड से तुम आपके सरकारी बंदे बिठाते तो साढ़े 500 साल की गल कर दो 2019 चे साढ़े 500 साल गुरु नानक साहब जी के अवतार दिहाड़े चे तुसी क्या सी साढ़े बंदी सिख रिहा करोगे। 4 साल हो गए अज तक तुसी क्यों रिहा नहीं किया, यू टर्न क्यों मारिया, पहले नोटिफिकेशन कढ़ी फिर कहता अदालत चे कि दे आर अ थ्रेट टू सोसाइटी ते हुण नवे रूल्स चे कहंदे हो पहले माफ़ी मंगन। थानू अब कोई स्टैंड हैगा कि नहीं हैगा, तदे साड़ी धियाँ जब जुडिशल एग्जाम देने वास्ते राजस्थान जाती है तो थोड़े पिट्ठू उन्होंने एग्जाम नहीं देन देंदे क्योंकि वह सेजदारी है, वह क्योंकि वह अमृतधारी है, कहते ककार हटाओ साढ़े धर्म के उत्ते हमला। सर सर इस हाउस में खड़े होके मेरे जैसे जो ना पक्ष के साथ है और ना विपक्ष के साथ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये 300 पार का नारा दे के 400 पार का नारा दे के 330 से 240 में आ गए हैं, ईडीआई सीबीआई यूज़ करने के बाद भी तब भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और ये 50 से जो 99 में चले गए ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तो इन दोनों का ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। सो सर मैं सर मुझे ये इन राजनीति जो इस बारी हुई है शायद देश ने कभी देखी नहीं, जितनी माइग्रेशन हुई है यहाँ से वहाँ, दल बदल दो, हलका बदल दो, पार्टी बदल दो, कुछ पता ही नहीं लग रहा, कल यहाँ पे बैठा तो आज वहाँ पे बैठा है। हमारे राज्य में सर जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी मेन अब वो दोनों ही इकट्ठे हो गए, तो अब ऑपोजिशन का ये राहुल जी कल कह रहे थे कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे कि आप आम आदमी के भी आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, क्योंकि पंजाब में कुछ बोलते हैं बाकी देश में कुछ और बोलते हैं। और सर जहाँ तो इनकी बात है तो इनका मैं इनके बारे में तो क्या कहूँ, सो मैं ज़्यादा अपना समय इन पर बर्बाद नहीं करना चाहूँगी। सर मैं आपके माध्यम से, क्योंकि समय कम होता है बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने राज्य के मुद्दों पर आना चाहूँगी। आज मैं आपसे आपके राही आग्रह करती हूँ राष्ट्रपति जी को कि सरकार को बोलिए कि पंजाब एक किसानी सूबा है, इस किसान दे उत्ते बहुत वड्डे वड्डे संकट ने, आज किसानों ने नौजवानों ने ते माइनॉरिटीज तिन्ना ने इन्हों रिजेक्ट किया है जिदे करके इन्हों दे नंबर कटे ने, क्योंकि इन्होंने 800 किसान शहीद कराते पंजाब की बरूहा चे ते उन्होंने चकिया यूपी के इलेक्शन तो पहले आ कह के कि थोड़ा MSP लीगल गारंटी की जाऊगी तो थोड़िया मंगा मनिया जान गया, लेकिन ना तो उन्होंने दी मंगा पूरी कीतियां। तो जब वो किसान 2024 च एक बार फिर दिल्ली आके धरना लाना चाहते सी, थानू हैरानी होगी उन्होंने पंजाब के बॉर्डर से रोक के किस तरह हरियाणा की सरकार से पुलिस ने जिहो जी तशद्दत की, उन्होंने उत्ते अथरू गैस गोलियां दी बछार करके किन्ने किसानों नू घायल करता, ट्रैक्टर उन्होंने भनते, नौजवान मुंडा शुभदीप मेरे हल्के का उन्होंने शहीद कर दिता, तो साडा मुख्यमंत्री मूँह चे ताले ला के बैठा रहा। सो मैं थानू बेनती कर दिया कि किसानी इशूज़ नू इन्हां नू सॉर्ट आउट किया जाए, सरकार उन्होंने वखवादी आतंकवादी तशद्दत करना बंद करे, तो जिहड़े वादे किए ने उन्होंने वादियां नू पूरा करे। मैं एक होर भी बेनती करांगी कि पंजाब का अटारी वाघा बॉर्डर ते हुसैनी वाला बॉर्डर खोलिया जाए ताकि साढ़े बॉर्डर तो ट्रेड हो सके, ताकि साड़ी किसानी जिहड़ी संकट च है, इंडस्ट्री जिहड़ी संकट च है, नौजवान जिहड़ा बेरोजगार है, इस बॉर्डर जे थोड़े गुजरात के बॉर्डर च सी रूट तो जे हो सकता है ट्रेड, तो फिर पंजाब दे लैंड राइड तो क्यों नहीं हो सकता। मेरी एक डिमांड है कि ए इंडस्ट्रियल रूट ए ट्रेड रूट बॉर्डर तक खोलिया जा ताकि साडा उतो ट्रेड हो सके। सर दूजी गल, और मेरी एक आदरणीय हमारी सांसद ने उन किसानों की माओ के बारे में ये कहा कि ये तो 100-100 रुपए पे भाड़े पे लाए हुए लोग हैं, मेरे को शर्म आती है इस बात की। वो किसान पर आज वो किसान दिल्ली के बॉर्डर अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली आना चाहता है, क्या दिल्ली देश से अलग है, क्या दिल्ली में पंजाब के किसान नहीं आ सकते? हमें हरियाणा के बॉर्डर पर रोककर हमारे पर गोलियां चलाई जा रही हैं, हजारों लोग किसान हमारे वहां पर इंजर्ड हुए और कईयों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई है।
लेकिन सरकार की तरफ से गर्मी है, 45-47 डिग्री में बैठा किसान चीख चीख कर पुकार रहा है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दो, हमने दिल्ली जाना है। लेकिन उनको आदेश है हरियाणा की पुलिस को, यह देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया गया हो देश, कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मुंह करेगा तो गोलियों से उसको मार दिया जाएगा। ऐसा हमारे साथ व्यवहार हो रहा है सभापति साहब। आज बड़ी बड़ी बातें की गई, आदरणीय मंत्री महोदय कहे कि हमने एमएसपी दिए। एमएसपी आपने दिए? 1967 में कांग्रेस की सरकार ने किसान के लिए एमएसपी दिया था, जब देश भूखा मर रहा था, तो पंजाब के लोगों ने, इन किसानों ने, देश के किसानों ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया। आज कोई आसान नहीं कर रहा कि हम उनको एमएसपी दे रहे हैं। किसान लीगल गारंटी मांगता है सभापति साहब। मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान को, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान। नहीं गलत क्यों रूडी साहब? थैंक यू रूडी साहब, आपकी बात मान ली है। प्लीज अमरिंदर सिंह प्लीज सर। सभापति मैं थोड़ा धन्यवाद करना चाहना कि तुसी आज मैनू इस सदन विच राष्ट्रपति दे भाषण ते बोलन दा मौका दिता। भाई आप रूडी साहब, मैं उस धरती तो आना है जिस धरती तो जिहड़ी धरती गुरुआं पीरां पैगंबरां दी धरती है, जवानां दी धरती है ते किसानां दी धरती है। ते मैं अपने भाषण देने तो पहला साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का वो जड़ा फरमान दे अशिवावर मोहे एह शुभ कर मनते कब हूं ना टरूं हर सो जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। सच्चे पातशाह दा ये फरमान दे नाल मैं अज इस लोकसभा च बोलन लगे। सभापति मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं गुरुओं की धरती और जवानों की धरती और किसानों की धरती से आता हूं। जवानों की बात आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने की है, हालांकि विपक्ष द्वारा उसको घुमाने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा इस देश में मिलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति साहब, कभी कभी तो मेरे को लगता है कि पंजाब को यह हिंदुस्तान की सरकार भूल गई है। कभी कभी मेरे को यह भी महसूस होता है कि शायद हम हिंदुस्तान के कहीं किसी नक्शे में हैं या नहीं, जिस प्रकार से हमारे सरकार का हमारे पंजाब के लोगों की तरफ व्यवहार है, ऐसा हमें महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति साहब, जब हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले पर झंडा लहराते हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि उस झंडा लहराने में पंजाब के हजारों नौजवान लोगों ने अपनी शहादत दी है, ये अवसर इसलिए प्राप्त हुआ है सभापति साहब। मैं कहना चाहता हूं सभापति साहब, मैं अपने किसान की बात करना चाहता हूं। पिछले 1.5 साल से सभापति साहब, पंजाब का किसान, देश का किसान, आज बड़ी बड़ी बातें की गई, आदरणीय मंत्री महोदय कहे कि हमने एमएसपी दिए। एमएसपी आपने दिए? 1967 में कांग्रेस की सरकार ने किसान के लिए एमएसपी दिया था, जब देश भूखा मर रहा था, तो पंजाब के लोगों ने, इन किसानों ने, देश के किसानों ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया। आज कोई आसान नहीं कर रहा कि हम उनको एमएसपी दे रहे हैं।
किसान लीगल गारंटी मांगता है सभापति साहब, एमएसपी की लीगल गारंटी। आपको मैं बताना चाहता हूं, 700 किसान पंजाब का शहीद हुआ, और मेरी एक आदरणीय हमारी सांसद ने उन किसानों की मांओं के बारे में ये कहा कि ये तो 100-100 रुपए पे भाड़े पे लाए हुए लोग हैं। मेरे को शर्म आती है इस बात की। वो किसान, और आज वो किसान दिल्ली के बॉर्डर अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली आना चाहता है। क्या दिल्ली देश से अलग है? क्या दिल्ली में पंजाब के किसान नहीं आ सकते? हमें हरियाणा के बॉर्डर पर रोककर हमारे पर गोलियां चलाई जा रही हैं। हजारों लोग किसान हमारे वहां पर इंजर्ड हुए और कईयों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई है। लेकिन सरकार की तरफ से गर्मी है, 45-47 डिग्री में बैठा किसान चीख चीख कर पुकार रहा है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दो, हमने दिल्ली जाना है। लेकिन उनको आदेश है हरियाणा की पुलिस को, ये देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया गया हो देश, कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मुंह करेगा तो गोलियों से उसको मार दिया जाएगा। ऐसा हमारे साथ व्यवहार हो रहा है सभापति साहब, ये हालात है। आप कहते हो किसानों को, आपने किसान निधि योजना में आपने बड़ा कोई इनकलाब खड़ा कर दिया। आपने कहा कि 3,20,000 करोड़ लोगों को हमने 20,000 करोड़ दिया है किसान निधि योजना के तहत। मैं पंजाब की बात बताना चाहता हूं। सत श्री अकाल दोस्तों, भाई अमृतपाल सिंह की रिहाई का मामला हुण लोकसभा दे विच भी पहुंच चुका है, जिथे कि अज बठिंडा तो अकाली दल की मैंबर पार्लीमेंट हरसिमरत कौर बादल ने भाई अमृतपाल सिंह की रिहाई का मामला उठाया। तो उत्थे ही राजा बड़िंग जो कि लुधियाना तो लोकसभा मैंबर हैं कांग्रेस के, उन्हां वल्लों कंगना रनौत के सामने उस द्वारा किए गए अपशब्दों की वरतों के मामले के बड़ा खुलासा किया है। दस दिए कि बेशक कंगना रनौत इस समय लोकसभा की मैंबर चुनी गई है, पर उसू हाले तक भी जो लोकसभा की मर्यादा होंगी है शायद उसका नहीं पता, जिस करके उसका आचर उसका बोलन का अंदाज साफ तौर पर झलकिया जो लोकसभा दे विच भी, जिसका पूरा जो विखाव है वह तुहाडे सामने रखते हैं अज की इस खास वीडियो दे विच। जो लोकसभा दे विच तुसीं देखोगे इस मामले ते तुहाडा की कहना जरूर कमेंट करना। तो हरसिमरत कौर बादल द्वारा जो मुद्दा रखा गया कि तुसीं उस दे नाल सहमत हो यस जां नो दे विच जरूर कमेंट करना, वह देखो हुणे पूरी वीडियो। शुक्रिया सर। सर माइक चलाइए। श्रीमती हरसिमरत कौर, शुक्रिया सर। सर इस हाउस में खड़े होके मेरे जैसे जो ना पक्ष के साथ है और ना विपक्ष के साथ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये 300 पार का नारा देके 300-400 पार का नारा देके 330 से 240 में आ गए हैं। ईडीआई सीबीआई यूज करने के बाद भी तब भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और ये 50 से जो 99 में चले गए ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो इन दोनों का ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। सो सर, मैं सर मुझे ये इन राजनीति जो इस बारी हुई है शायद देश ने कभी देखी नहीं। जितनी माइग्रेशन हुई है यहाँ से वहाँ, दल बदल दो, हलका बदल दो, पार्टी बदल दो, कुछ पता ही नहीं लग रहा। कल यहाँ पे बैठा तो आज वहाँ पे बैठा है। हमारे राज्य में सर जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी मेन अब वो दोनों ही इकट्ठे हो गए, तो अब ऑपोजिशन का ये राहुल जी कल कह रहे थे कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे कि आप आम आदमी के भी आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, क्योंकि पंजाब में कुछ बोलते हैं बाकी देश में कुछ और बोलते हैं। और सर जहाँ तो इनकी बात है तो इनको मैं इनके बारे में तो क्या कहूँ सर, मैं ज़्यादा अपना समय इन पर बर्बाद नहीं करना चाहूँगी। सर मैं आपके माध्यम से, क्योंकि समय कम होता है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने राज्य के मुद्दों पे आना चाहूँगी। आज मैं आपसे आपके राही आग्रह करती हूँ राष्ट्रपति जी को कि सरकार को बोलिए कि पंजाब एक किसानी सूबा है, इस किसान दे उत्ते बहुत वड्डे वड्डे संकट ने, आज किसाना ने, नौजवाना ने, ते माइनॉरिटीज तिन्ना ने इन्हों रिजेक्ट किया है, जिदे करके इन्हों के नंबर कटे ने, क्योंकि इन्होंने 800 किसान शहीद कराते पंजाब दी ब्रूहा चे,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ 2024 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਰੇਡ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਰੇਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੂਟ ਇਹ ਟਰੇਡ ਰੂਟ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਟਰੇਡ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਡਰੱਗ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਸੌ ਡਰੋਨ ਹਰ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮਸ ਅਤੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ਲਸ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 5 ਆਪਣਾ ਕਾਰਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ 'ਚ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਠ ਥਪਥਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਤੇ ਅਤੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਅ ਥਰੈਟ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਕਾਰ ਹਟਾਓ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
कि आज पंजाब चे जेड़े रेडिकल फोर्सेस ने ओ हावी हो रहे ने ते मॉडरेट फोर्सेस कमजोर हो रहे हैं, जेड़ा थोड़े वास्ते एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए है। सर साढ़े पानी आज सारी केंद्र की सरकार भावे कांग्रेस होए भावे बीजेपी होए भावे आप आदमी होए तीनों सरकार आज पंजाब का पानी खोना चाहती ने। पंजाब का पानी पंजाब की जिंद जान, पहले उन्होंने साडा पानी दूजे सूबे नूं देता, हुण इह सारे रल मिल के इस वायल दी नहर कढ़ के साडा पानी साडे तों खोना चाहुंदे ते पंजाब नूं इक रेगिस्तान बनाना चाहुंदे ने। श्रोमणी अकाली दल कदे भी श्रोमणी अकाली दल हमेशा ये बेइंसाफिया के खिलाफ लड़ता रहा है, भावे कांग्रेस होए भावे भाजपा की बेइंसाफी होए भावे आम आदमी की होए लड़ते रहे हैं लड़ते रहेंगे। एक बूंद पंजाब का पानी पंजाब तो बाहर नहीं ले जान देवे। अखीर च मैं थानू आ भी बेनती करती हाँ कि साड़ी राजधानी चंडीगढ़ जेड़ा इन्होंने सानू छे दहाकिया तो नहीं दिती, अज तुसी साडा क्लेम डाइल्यूट करके कमजोर करी जा रहे हो। थानू भी मैं बेनती कर दी है साड़ी राजधानी है इनू असी छड़ांगे कदे नहीं, साड़ी राजधानी सानू वापस दियो, साडा पानी दे उत्ते ढाका बंद करो, साडे धार्मिक स्थानां दा कब्जा तुसी छड़ो ते साडे किसानां दे नाल इंसाफ करो। जे पंजाब नू तुसी मलम लाओगे तो यह सूबा यहो जे लोग ने जेड़े अगे हो के हिक ते गोलियां लैंदे ने देश नू बचाण वास्ते। इस स्टेट नू तुसी डिस्टेबलाइज करोगे, आइसोलेट करोगे, माइनोरिटीज दे नाल धक्का करोगे तो यहो जे बंदे ला देने। कृपया समाप्त करें। तीन कृषि कानून जे तुहानू सरकार ने समझाता सी। सो सर सभी अखीर च एमरजेंसी दी कृपया समाप्त करें। अगली बात सर मैनू इस गल दी खुशी है, कृपया समाप्त करें कि एमरजेंसी विच जेड़ा गांधी परिवार ने कीता सी सब तो पहला जथा बादल साहब लेके गए सी कोर्ट कीता सी अरेस्ट ते रोज अकाल तख्त साहब तो अरदास होके सिखा दा जथा एमरजेंसी दे खिलाफ जाके अरेस्ट कोर्ट करदा सी। 40,000 सिखा ने अकालिया ने अरेस्ट कोर्ट कीता। मैं आस करदी सी कि राष्ट्रपति जी बोलनगे कि 2% दा छोटा सा एक माइनॉरिटी जिन्होंने 40,000 बंदियां ने अरेस्ट कोर्ट किया तो सानू शाबाशी देंदे, लेकिन बैकडोर एमरजेंसी जी हो रही है UAPA लगा के NSA लगा के ये नवा जो कानून आया जो पुलिस को इन्हें पावर दे ये भी एक तरह की एमरजेंसी है। सो हर तरह समाप्त करें, समाप्त करें, बहुत बहुत कृपया समाप्त। सो मैनू इस गल का दुख है सभी सभी अब कृपया समाप्त कर ले, आपको काफी है काइंडली कंक्लूड। हरसिमरत प्लीज काइंडली कंक्लूड। सभी माननीय सदस्यों के लिए एक सूचना है।